जो हर एक माने लोक का एक ब्रांच ऑफिस भूलोक में, कहने का उद्देश्य भूलोक में ना सब लोक को जाने की रास्ता है। स्वर्ग लोक भी जा सकते हैं, भूलोक भी जा सकते हैं, जनहि तपलोक भी जा सकते हैं, ब्रह्मलोक के लिए भी रास्ता है भूलोक से। हाँ, पुष्कर तीर्थ में एक ब्रह्मरंध्र है। पुष्कर तीर्थ राजस्थान में ब्रह्मरंध्र नामक एक स्थान है। वो पुष्कर के अंदर कोण गर्भ नामक एक मतलब पुष्कर तीर्थ जो जैसे ब्रह्मांड का सबसे सेंटर वाला जो जगह है, नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य ब्रह्मा जी ने वो चक्र फेंका था तो उसका सेंटर वहां पे पड़ा। अर्थात इस भूलोक का भी जो सेंटर जो है वो नैमिषारण्य है, तथा ब्रह्मांड का भी सेंटर ना, क्योंकि ब्रह्मांड जो के बीचों बीच भूलोक है। क्योंकि बीचों बीच है इसलिए हर एक लोक के प्रति आवागमन है उसका। तो पुष्कर तीर्थ के मध्य भाग में कोण कुंड है। तो कोण कुंड में एक ब्रह्मरंध्र है, तो ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मलोक की रास्ता है। तो वहां तक को सिद्ध कोई व्यक्ति अगर वहां पे मतलब डायरेक्ट रास्ता है वहां पे, समझ रहे नहीं? ऐसे ही अन्य अन्य लोगों के लिए इस रामताल से नीचे के लोग की ओर रास्ता है, और ऊपर के लिए तो है ही, नित्य जल क्रीड़ा है, राधा कृष्ण नित्य जल क्रीड़ा करते हैं, डायरेक्ट गोलोक वृंदावन ही है। जैसे कोणकुंड से ब्रह्मलोक की रास्ता है, सतोपंथी से स्वर्गलोक की रास्ता है, बस टर्मिनल जाएंगे तो वहां पे हर एक प्रांत का बस मिल जाएगा। केरला वाली बस रखेंगे तो केरला वाले भाषी लोग मिल जाएंगे, वहां का कंडक्टर भी केरला बोलने वाला होगा। इस प्रकार का व्यवस्था होता है, वैसे ही सेम व्यवस्था है। मध्य लोक है, भू लोक, तो यहां से सब लोग को जाने का व्यवस्था कर रखे हैं भगवान ने। ऐसे अन्य लोक से भी अन्य लोक की यात्राएं संभव पर।